अंकिता जी, अरे क्या कर रहे हो? अंकिता जी, अरे बैठो, मैं आ रहा हूं। हाथ हाथ पीछे करने बोलो ना जरा मोबाइल। अरे एक मिनट यार, हैप्पी बर्थडे सर। अरे यार, कैन यू प्लीज, अरे बैठो यार नीचे यार, बैठो उधर। एक्सक्यूज मी, अरे मुतरमा मोबाइल करी नहीं बिगड़ी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। हर साल आप लोग आते हैं और मुझे विश करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे मीडिया का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने पूछा कि मेरा दिन कैसा शुरू हुआ, बहुत ही शुभ शुरू हुआ, क्योंकि आज सुबह सुबह किरण और मैं हम लोग गए थे फुटबॉल मैच देखने आज़ाद की, और वो फाइनल्स थी, इंटर स्कूल का फाइनल्स था। और आज़ाद का स्कूल जो है एसेंड उसका नाम है, वो फाइनल्स खेल रहे थे, तो उनकी टीम जीती है। तो आज़ाद ने एक बहुत ही अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया मुझे, तो फाइनल्स जीते हैं उनके स्कूल जो है, अंडर 8 जो होता है उनका। सो टुडे वाज अ ग्रेट स्टार्ट फॉर लवली डे। या सॉरी वी वर लेट। प्राउड यू फील लाइक इट? वेल वी वर वेरी हैप्पी। हम लोग सब 8-7 साल के बच्चों को देख रहे थे खेलते हुए, और बहुत ही अच्छा गेम था। इट वाज अ वेरी टफ गेम, एंड मैं देखता हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ रहे हैं, और उनका जो इंथुजियाज़म है बहुत ही अच्छा है। और इट वाज अ टाई, फिर वो टाई ब्रेकर में गया, गोल किक्स हुए, पेनल्टी किक्स हुए, तो इट वाज अ वंडरफुल गेम। मेरे बर्थडे प्लान्स हमेशा वही होते हैं कि मैं एक तो आप लोगों से मिलता हूँ, और कर्ली हेयर, हाँ प्रमोशन हो गया, कर्ली हेयर थोड़ा पीछे हट जाओ, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ बर्थडे प्लान्स ये हैं कि मैं एक तो सुबह आपके साथ मिलता हूँ, आप लोगों के साथ, और फिर उसके बाद शाम को मेरी पूरी फैमिली आती है, किरण जी ऑर्गेनाइज करती हैं, अम्मी सब लोग आते हैं घर पे, पूरी फैमिली आती है, तो हम लोग साथ में। सॉरी, माय बर्थडे विश, वेल माय बर्थडे विश एक्चुअली ये साल इलेक्शन का साल है, तो मेरा बर्थडे विश ये है कि सब लोग हिंदुस्तान में, सभी लोग जो हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, तो सब लोग जाएं और वोट करें, और इस सबसे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा बने, और अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं बाय वोटिंग। दैट्स माय बर्थडे विश। या वो सबके टेक्स्ट आ रहे हैं मुझे, सबके फ़ोन और टेक्स्ट आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं, अभी इतने आ रहे हैं, मैं बाद में देखूंगा आराम से। हाँ नहीं, सबका देखा मैंने, धीरे धीरे देख रहा हूँ। बर्थडे रेजोल्यूशन मेरा नहीं, मेरा कोई बर्थडे रेजोल्यूशन नहीं है। किसके लिए? फैंस के लिए। हाँ मैंने बोला, हाँ मैंने बोला था, हाँ हाँ, तो मैंने, मेरे पास अनाउंसमेंट है अपने फैंस के लिए और मीडिया के लिए। जो मेरी अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ वो हम लोग ने फाइनलाइज कर ली है, और उसका नाम है लाल सिंह चड्डा। और ये लाल सिंह चड्डा जो है, इट इज़ बीइंग मेड बाय वायकॉम एंड आमिर खान प्रोडक्शंस टुगेदर। इसके डायरेक्टर होंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने बनाई थी सीक्रेट सुपरस्टार। और ये एक अंग्रेजी फिल्म आई थी हॉलीवुड की, फॉरेस्ट गंप, उसका अडेप्टेशन है। वी हैव बॉट द राइट्स फ्रॉम पैरामाउंट, तो पैरामाउंट इज़ ऑल्सो विद अस ऑन दिस, वायकॉम इज़ विद अस, और हम लोग फॉरेस्ट गम का जो अडेप्टेशन है वो बना रहे हैं, और टाइटल है लाल सिंह चड्डा।
टाइटल किस तरह से आप ये तो अभी आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा इंटरेस्टिंग लीड रोल आई एम प्लेइंग द लीड रोल ऑफ लाल सिंह या सॉरी नॉट डिसाइडेड वी हैव स्टार्टेड द प्रेपरेशन तो प्रेपरेशन शुरू हो गई है हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे अक्टूबर में अभी 6 महीना मेरा प्रेप चलेगा मुझे अपना वजन कम करना है टू गेट रेडी फॉर द रोल सो आई विल बी लूजिंग 20 किलोस या रिलीज अभी तो शुरू होने दीजिए रिलीज का हम लोग बताएंगे अगले साल होगी नो आई हैव टू बी वेरी लीन एंड स्लिम इन दिस रोल very lean and slim so I have to lose a lot of weight well I've always loved Forrest Gump as a script it's a very wonderful story about this character and it's a very life affirming story it's a very feel good film it's a film for the whole family it's a, you know it's a wonderful story so I really like it चड्डा मीन पंजाबी का एक्चुअली सरदार हां सरदार है वो उसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इन फैक्ट लाइक ओवर टू लुक सो यू विल बी वेरी गुड टर्बन आई विल बी या वेल फॉर पार्ट ऑफ द फिल्म बिकॉज़ द स्टोरी गोस अ पर्टिकुलर वे सो यू विल सी इट इन द स्टोरी हमें ऐसी चर्चा थी कि आप महाभारत की तैयारी करें जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर मैं वो आप लोग इसके बारे में रूमर्स फैलाते रहते हैं मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं इसके बारे में बहुत बार पैशनेटली हमें बताया प्रोजेक्ट के बारे में कि इस वक्त मैं यही कर रहा हूं तो आप मेरा ध्यान अभी इस वक्त सिर्फ इसी पे है लाल सिंह चड्ढा नहीं मैंने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी मैंने तो अभी तक एक ही अनाउंसमेंट की यही कर रहा हूँ मैं लाल सिंह चड्ढा वो उसके लुक पे जी हाँ लुक पे काम कर रहे हैं हम लोग वो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग वो प्लान करेंगे नो आई एम नाउ प्रिपेयरिंग फॉर इट कोशिश मेरी वो वही रहेगी इस दफा भी वेल राइट नाउ नो बट इट्स अ ग्रेट मीडियम आई ऑल्सो लव वॉचिंग शोज ऑन द वेब एंड इफ समथिंग नाइस कम्स अप आई वुड लव टू डू इट जी मैंने तो कह दिया मैंने रिप्लाई किया सर क्या बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे सर मैं किसी के लिए नहीं करता मैं एक्चुअली कभी किसी को बताता नहीं कैसे वोट करना चाहिए हर हिंदुस्तानी खुद समझदार है वो खुद सोच समझ के वोट करेगा उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या मुद्दे ज़रूरी हैं हम सब के लिए मतलब हर आदमी सोचता है कि मेरे लिए कौन सा मुद्दा ज़रूरी है और वो अपने मुद्दे जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनके हिसाब से उनको मद्देनज़र रख के वो अपना वोट देता है और ज़रूरी ये है कि हमें हर कोई ये वोट दे हर कोई आगे आए वक्त निकाले और वोट दे लाल सिंह चड्ढा विल बी अ लीन कैरेक्टर नाउ लाइक यू आर इन अ हाँ जब मैं शूटिंग नहीं करता हूँ तो मैं थोड़ा लेजी हूँ थोड़ा मैं मोटा हो जाता हूँ लेकिन मैं करीबन 20 किलो कम करने वाला हूँ हाँ इस रोल के लिए 6 महीने का टाइम है I think every Indian should have the opportunity to vote. And अगर कुछ Indians हैं जो हिंदुस्तान से बाहर हैं उस वक्त या travel कर रहे हैं या कोई उनकी और दिक्कत है शायद तबीयत ठीक नहीं है तो शायद इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोच कर कोई उपाय निकालना चाहिए ताकि हर हिंदुस्तानी को मौका मिले कि वो वोट कर सके क्या उपाय है वो नहीं बता सकता मैं वो इलेक्शन कमीशन सोचेगा हर बार हम पानी फाउंडेशन की बात करते हैं अब मैं काम कर रही हूँ एक स्क्रिप्ट पर तो देखते हैं ये फिट होते हैं कि नहीं मुझे स्क्रीन टेस्ट फिर से देना पड़ेगा वेल पानी फाउंडेशन का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और ये हमारा 4th साल है इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है गांव वाले जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं
पान लोट के काम में, और इस साल भी पिछले साल तो 20,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हुई थी फरवरी और मार्च के महीनों में, और इस साल भी हम सोच रहे हैं कि 20 से ज़्यादा ही होगा। 4,000 गांवों ने पिछले साल ट्रेनिंग ली थी, इस साल शायद 7,200। तो वी आर थिंकिंग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग हो। इस साल नॉर्मली ट्रेनिंग में हर ट्रेनिंग सेशन में 40 लोग होते हैं, इस दफ़ा लोड बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, तो 50 लोग हैं हर ट्रेनिंग सेशन में, और ये मुझे रिपोर्ट मिली है। तो एक्साइटमेंट बहुत है गांव वालों में, और हम चाहेंगे कि हर एक गांव पूरी शक्ति अपना पूरा जोर लगा दे इस साल, क्योंकि पिछले साल बारिश अच्छी नहीं हुई थी, और ये जब बारिश अच्छी नहीं होती तो और भी ज़रूरी होता है कि हम पान लोड का काम सही करें। जितने ज़्यादा गांव इसमें शामिल होंगे, जितना ज़्यादा लोग इसमें काम करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा सभी गाँव को होगा। और इस साल भी किरण जी और मैं अप्रैल और मई के महीने में गांव-गांव जाके लोगों के साथ काम करेंगे, जिसे हर साल हम करते हैं, और वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सीखने का मौका भी होता है और हमको बड़ा मज़ा भी आता है। हम आप लोगों को भी न्योता देंगे, आप लोग आइए, अप्रैल से 22 मई तक आप प्लीज़ आइए, हमारे साथ घूमिए महाराष्ट्र। या प्लीज़ कम, इनफैक्ट ऑन 1 मई वी डू अ वेरी बिग श्रमदान, तो 1 मई यू ऑल कैन अप्लाई एंड कम। महाराष्ट्र डे, इट्स अ डे व्हेन एवरीवन इज वेलकम टू कम टू विलेजेस एंड या, एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर करेंगे, दे विल एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू हाउ टू कम, वेयर टू कम, हाउ टू डू। हाँ, पहले हम लोग रूरल महाराष्ट्र पे ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली द बेल्ट विच इज ड्राउट अफेक्टेड एरियाज जो हैं, तो एक दफ़ा वो कवर हो जाए फिर हम सिटीज पे आ सकते हैं। एक सवाल, आपने शाहरुख खान को रेकमेंड की थी सारे जहां से, अच्छा अब शाहरुख खान वो फिल्म नहीं कर रहे हैं जी, आगे फ्यूचर में आपको वो फिल्म दोबारा ऑफर की जाती है तो आप करेंगे क्या? अभी तो मैं ये कर रहा हूँ लाल सिंह चड्ढा, एक वक्त में मैं एक ही कर पाता हूँ। हाँ, आगे का मैंने सोचा नहीं है, आगे का सोचा। गाइस वी विल टेक लास्ट टू क्वेश्चंस नाउ। आपका सबसे यादगार बर्थडे? हाँ, एक्चुअली बर्थडे मुझे इतने याद रहते नहीं है, तो किरण जी, व्हेन वाज दैट? 2004 2005 वी गॉट मैरिड, बट वी वर टुगेदर इन 2004 एंड 3। क्लियरली मुझे याद नहीं है। किरण जी ने क्या गिफ्ट दिया? अरे आमोस, आमोस यहाँ है नहीं सर, क्या वो मेरे कमरे में जो पेंटिंग्स रखी हैं वो लेके आओ, मैं दिखाता हूँ आप लोग। तो मैं सुबह सुबह उठा तो मेरे लिए गिफ्ट बेड पे था, और आज़ाद ने कुछ 4-5 पेंटिंग्स बनाई हैं जो आज़ाद ने मुझे दी हैं, और एक ड्राॅइंग किरण ने बनाई है मेरे लिए, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। हाँ, तो आज़ाद ने और किरण ने मेरे लिए पेंटिंग्स बना के दिया है मुझे। जुनैद ने तो कुछ नहीं दिया अभी तक, और आयरा तो बाहर गाँव है, पूछूंगा उनसे मैं। उनके करियर को लेकर एज अ पेरेंट, जैसे आजाद के अभी आपने तो उनके करियर को लेके फिल्मी आर यू थिंकिंग, आर यू प्लानिंग? वो उनका डिसीजन है, जैसा जुनैद और आयरा सोचें जैसे वो करें, उनका डिसीजन है, जैसे वो डिसाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा। और कोई है नया एप्लीकेशन? एक्चुअली मैं इतना और कोई है? एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊं, ये सोशल मीडिया पे मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी में रहता हूं, अपने लाइफ में रहता हूं, मैं भूल जाता हूं, और मुझे याद नहीं रहता सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने के लिए। तो कभी कभी करता हूं मैं सोचता हूं कि आप लोग हैं, और आप लोग यू आर अ वंडरफुल ब्रिज बिटवीन मी एंड माई फैंस, तो आप लोग ही कम्युनिकेट करते हैं मेरे लिए, और आपके ज़रिए ही मैं अपने फैंस से कम्युनिकेट करता हूं। अभी आप डाइट शुरू करने वाले हैं, तो आपके डाइट में किरण जी का कितना इनपुट होने वाला है? किरण जी मेरे डाइटिशियन है डॉक्टर धुरंधर, वो मेरा डाइट बनाते हैं, और किरण जी देखती है कि वो ठीक ठाक मुझे दिया जा रहा है। अरे, और बहुत टेस्टी डाइट है इस बार इनका, देख के सबके मुंह में पानी आता है। हाँ बताओ, बताइए बताइए आमिर, बताइए क्या है? सॉरी क्या? हाँ, अरे बर्थडे के दिन आप लोग टेररिज्म की क्या बात कर रहे हैं? बर्थडे
आपकी फिल्म लगान ऑस्कर तक गई, आप एज ए गेस्ट भी वहाँ पर गए हुए बहुत बार, तो जब एक डॉक्यूमेंट्री बहुत सारे फिल्मों को पछाड़ के जब फिल्म करती है तो एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सिनेमा लवर, व्हाट्स योर मतलब ओवरऑल व्यू से? मैं समझा नहीं, डॉक्यूमेंट्री क्या? डॉक्यूमेंट्री को अभी मिला ना पीरियड एंड ऑफ सब फिल्मों को पछाड़ के, मतलब अच्छा इंडियन डॉक्यूमेंट्री वन, इट्स इट्स नॉट इंडियन, इट वाज मेड बाय एन अमेरिकन डायरेक्टर बट इट्स को प्रोड्यूस्ड बाय अबाउट इंडिया, अबाउट सेट इन इंडिया, इट्स अबाउट सेट इन इंडिया. हां देखिए, मुझे लगता है कि जो फिल्म अच्छी है उसको जीतना चाहिए, और मैं जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अवार्ड्स को इतना सीरियसली लेता नहीं हूं. हां सॉरी, यू विल कम टू नो ऑल दैट सून, वेरी सून. हाँ गिव मी. अरे जस्ट पास इट ना सूजी फ्रॉम देयर. किरण, किरण, लास्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डाइटिंग ड्यूरिंग दंगल, यू हैड अ वर्ड विद हिम एंड देयर वर सीरियस कंसर्न्स अबाउट हिम, या अबाउट हिज हेल्थ, या आर यू गोना कीप अ टैब ऑन हिज? या वेल वी आर, वी वरी अबाउट हिज हेल्थ, बट दिस टाइम आई थिंक ही इज got on the right track much faster. He's I think already begun the process. In the last week he's already lost quite a bit of weight, and his diet is very very healthy. In fact, it's so tasty that we all want to eat it. It's a superb diet. So guys, this is a message Azad and Kiran wrote for me, and ye Kiran ne mere liye banaya. Ye aur thoda hold karke rakho yahan pe, और मैं आजाद का दिखाता हूँ. सो इट्स अ सीरीज, इट्स अ सीरीज ऑफ फाइव पेंटिंग्स. दैट इज द फर्स्ट वन, इट्स अ स्टोरी एक्चुअली. दैट इज द सेकंड वन, कैरेक्टर इज कमिंग एंड लैंड्स ऑन इन अ गोज टू अ ब्लैक होल. ये ब्लैक होल बनाया है और ये स्पेस ट्रैवलर ब्लैक होल की तरफ जा रहा है, और फिर वो ब्लैक होल के बहुत नजदीक आता है और ब्लैक होल उसको अंदर खींचने वाला है, फिर वो एस्केप हो जाता है. सो ठीक है, सो क्रिएटिव, सो हां. तो ये मुझे वंडरफुल गिफ्ट्स मिली हैं. अरे बाप रे, नहीं ये जो फ्रेम्ड है ये सब आजाद ने बनाए और ये किरण जी ने बनाए. ये थोड़ा ओल्ड विजन बना, पर किरण जी, हां किरण जी वाला ये ये मेरी फोटो का उन्होंने बनाया. अरे ये रखो संभाल के यार, थैंक यू गाइस, घुमाना नहीं है. हां हां Advait, no, no, no. Wow. On my life. Yes. If he wants to, he can make. He has full rights. He has all knowledge also about my life. Thank you guys. Last question. अच्छा last question, इसके बाद हम लोग ऊपर जाके मस्ती करेंगे. हाँ. Oh, she was upset with me. Why? Why? ऐसा मुझे तो कभी उन्होंने बोला नहीं. मैं मिलूंगा तो पूछूंगा. थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग गाइस. थोड़ा सा जगह बचा है, चलो फिर आई शुड गो एंड सी हेलो. Gracias.